آزادی تم کچھ بھی کر لو آزادی تم جیل میں ڈالو آزادی تم جیل میں ڈالو آزادی ہم نہیں ہٹیں گے آزادی ہم نہیں ہٹیں گے آزادی میرا ہاتھ اٹھا کے آزادی میرا ہاتھ اٹھا کے آزادی नमस्कार, मैं संकेत और आप देख रहे हैं MNTV। आज हम मुंबई बाग में हैं। जी हाँ, मुंबई बाग दिल्ली के शाहीन बाग की तर्ज पर देश के तमाम हिस्सों में लगभग 1500 से ज़्यादा शाहीन बाग लगे हुए हैं और जहाँ पर लाखों की तादाद में महिलाएं सड़क पर उतर आई है और CAA, NRC, NPR का विरोध कर रही है। मुंबई के मुंबई सेंट्रल ये जो इलाका है वहाँ पर भी एक मुंबई बाग लगा हुआ है शाहीन बाग की तर्ज पर और यहाँ पर भी हज़ारों की तादाद में महिलाएं इस आंदोलन का विरोध कर रही है। तो जानते हैं महिलाओं से कि आखिर विरोध क्यों हो रहा है। आप कितने दिनों से ये विरोध कर रही है? 52 डेज़ हो गए हैं। हम लोग 52 डेज़ से यहाँ पर बैठे हैं। हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोग CAA, NRC, NPR के खिलाफ बैठे हैं कि हमको ये नहीं चाहिए। इसकी वजह से हम लोगों को बहुत तकलीफ़ होगी आगे चल के। जिस तरह बताया गया है कि डिटेंशन सेंटर बना हुआ है जिसके पास पेपर्स नहीं है या उनके नाम लिखने में कोई प्रॉब्लम होती है, ऐसे बहुत लोग हैं जो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको लिखने में भी प्रॉब्लम होती है। तो जाहिर सी बात है कि एक आध वर्ड तो गलत हो ही जाएगा हर किसी के लिए पढ़ाई लिखने में। इतनी सारी यहाँ मुस्लिम औरतें बैठी हैं क्योंकि सबको पता है कि यहाँ आज यहाँ कुआँ है तो पीछे खाई है। हमको इसके लिए अगर हम आज नहीं लड़े तो हम कभी नहीं लड़ सकते इस चीज़ के लिए। आज हमें मौका मिला है अपनी आवाज़ उठाने के लिए, तो आज हम आवाज़ अपनी उठाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे गवर्नमेंट हमारी बात को सुने। 50 दिन से ज़्यादा समय हो चुका है आपने कहा, लेकिन फिर भी अभी तक सरकार जो है ये मानने को तैयार नहीं है कि ये कानून जो है जनता के विरोध में है और वो पीछे नहीं लेना चाहते। क्या कहेंगे इस पर सरकार से, क्या मैसेज सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, हाँ जी, 52 दिन से हम यहाँ बैठे हैं। दिल्ली शाहीन बाग 70 दिन के ऊपर हो चुका है और भी आपने बताया 1500 से ज़्यादा बाग जो है बन चुके हैं। तो सरकार पे कुछ ना कुछ तो असर हो रहा है, क्योंकि आपने रिसेंटली देखा होगा हमारे जो माननीय गृह मंत्री है उनका बयान ये कि मुसलमानों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनसे उनकी शहरियत नहीं छीनी जाएगी, सिटीजनशिप नहीं लिया जाएगा, किसी भी नागरिक के नाम के आगे D नहीं लिखा जाएगा। ये उनका मुँह ज़बानी कहना है। हम यही कह रहे हैं कि ये कानून को आप हटा लीजिए और आप हमको रेजोल्यूशन पास करा के दे दीजिए कि आप कभी भी ये कानून नहीं लाएंगे, क्योंकि सिर्फ ये मुसलमानों का मसला नहीं है, ये दलित कौम का मसला है, ये आदिवासी कौम का मसला है, ये यतीम बच्चों का मसला है, क्योंकि उनके माँ बाप तो उनको यतीम खाने में छोड़ देते, उनके पास कोई कागजात नहीं होता। हर कौम का, हर एक नागरिक का जो इस देश में रहता है, और गृह मंत्री और प्रधानमंत्री भी ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा कोई शुरू से कानून नहीं था कि हमारी बर्थ सर्टिफिकेट बनाई जाए। जी, तो ये 69 में ये कानून लागू हुआ था कि बर्थ सर्टिफिकेट बननी चाहिए और 85 से जी 69 में वो बना और लागू हुआ। हाँ, नहीं 85 से लागू हुआ जी, तो सब घर में जो पैदा हुए तो उनको भी पता है। और 2002 से जो है गवर्नमेंट ने प्रेशराइज किया कि हर हॉस्पिटल में बर्थ सर्टिफिकेट बनेगी, तो फिर वो 71 का कागज़ कैसे मांग सकते हैं? सीधी सी बात है, खुद नहीं है। और कैबिनेट में आपने केजरीवाल का खुद रिसेंटली बयान देखा होगा, 70 लोगों के विधानसभा में बैठे होने के बावजूद सिर्फ 9 लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट थे, 61 के पास नहीं थे। तो इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरे देश में कितने लोगों के पास होगा। तो इसीलिए हम ये असंवैधानिक है, इसीलिए हम इसके खिलाफ खड़े हैं, क्योंकि आगे चल के सबके लिए तकलीफ़ होगी, ना सिर्फ मुसलमानों के लिए। नहीं, मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि वो भी तो पुराने ही हैं, वो भी पुराने। एक आरटीआई डाली गई थी, उसमें पूछा गया कि क्या मोदी जी के पास सिटीजनशिप का कोई कागज़ है, तो उन्होंने कहा कि नहीं है करके। जी, वो आरटीआई हमने देखा, वो बहुत ही सर्कुलेट हो रहा है कि जो इंडियन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके सेक्शन 3 के मुताबिक बाय बर्थ वो सिटीजन है,
तो जब बाय बर्थ वो सिटीजन है तो हम कैसे सिटीजन नहीं हुए? हम भी तो सिटीजन हुए, तो ये बात जब वो अपने ऊपर लागू कर रहे हैं तो हमारे ऊपर क्यों नहीं लागू कर रहे? बस हम सरकार से यही प्रार्थना करेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ आप समझिए इस बात को, ये कानून जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये असंवैधानिक है, ये गैर मजहबी है, इसको नहीं लाया जाए क्योंकि हमारे सेक्युलर कंट्री में ये कानून नहीं चल सकता है। हरियाणा हो यानी पंजाब है, केरल है और कुछ स्टेट्स के असेंबली ने, स्टेट गवर्नमेंट ने उस पर लागू करने के लिए रिजोल्यूशन पास किया है। दिल्ली का भी, दिल्ली सरकार ने भी ऐसा किया है, महाराष्ट्र सरकार ने अभी तक नहीं किया है। आप मुंबई की जनता है, मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, क्या मैसेज देना चाहेंगे उद्धव ठाकरे जी? उद्धव ठाकरे से पहले दिन से यहाँ लगा है कि यहाँ एक नज़र मुंबई बाग में भी, यानी इस मुद्दे पर गौर करे जी, एक नज़र यहाँ पे भी डाले और हमारा मसला जाने। हम जानते हैं वो कि हमको किस बात से तकलीफ़ है, 52 दिन के बावजूद भी हमसे आके नहीं पूछा गया है इस बात को कि क्या हुआ है, क्यों बैठी है, सब जानते हैं हमें किस बात से तकलीफ़ है। बस हम उद्धव ठाकरे जी से भी यही कहेंगे कि वो मुँह ज़बानी ना बोलें कि NPR से घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो हमें भी रेजोल्यूशन पास करा के दे जैसे बाकी स्टेट्स ने कराया है। सरकार की तरफ से कोई मंत्री या प्रतिनिधि आपसे बात करने के लिए इतने 50 दिनों के बाद? बिल्कुल भी नहीं, वहाँ से हम लोग CM ऑफिस गए थे तो वहाँ पे बात हम लोग ने किए थे कि मतलब यहाँ पे हम लोग को ऐसा है, तो वो बोले कि मतलब वहाँ से हम लोग को आएगा मैसेज, लेकिन हम लोग को वहाँ से ना कोई मैसेज आया, ना आज तक कोई किसी ने भी आके हमसे, हाँ ना ही हमसे किसी ने बात किया इसके बारे में। NPR बायकॉट का एक आंदोलन शुरू होने वाला है, 1 अप्रैल से सरकार के कर्मचारी आपके घरों में आएंगे और उसका बायकॉट करना है, उनको किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं देनी है, ऐसी भी बातें, ऐसा भी एक आंदोलन देश में शुरू हो रहा है। मुंबई बाग की महिलाएं क्या सोचती है इसके बारे में? देखिए, हमें ये आगाह कर दिया गया है कि 1 अप्रैल से शुरू होगा, तो हमारे यहाँ सबको ये अवेयरनेस दी गई है कि हम एक कमेटी बनाएं अपनी बिल्डिंग में, अपने पूरे एरिए में, मोहल्ला कमेटी के नाम से, और जो मेंबर्स होंगे वो जो भी ऑफिसर्स आएंगे NPR के लिए वो उनसे बात करेंगे, यानी हम एक साथ खड़े हैं कि हम इस चीज़ को नहीं मानते, हम इसको टोटली तौर पे बॉयकॉट कर रहे हैं और हम एक भी इंफॉर्मेशन उनको नहीं देंगे। तो हमारी ये यूनिटी है, इंशाल्लाह हमने फॉर्म किया है काफ़ी मोहल्ला कमेटी, तो वो जो है ऑफिसर से बात करेंगे और हम सब खिलाफ है। और आप देखेंगे मुमरा है, मीरा रोड है और कई सोसाइटीज़ है, बिल्डिंग्स है जहाँ एक बैनर लगाया जा रहा है जहाँ साफ लिखा है बॉयकॉट NPR करके। तो हम NPR में तो केवल जानकारी लेंगे, ऐसा अमित शाह ने भी राज्यसभा में कहा, कोई कागज़ नहीं मांगेंगे, तो विरोध क्यों? देखिए, NPR जो है NRC का फर्स्ट स्टेप है, ये क्लियरली लिखा गया है, कैब में था और ये हमको मालूम है। अभी बोल रहे हैं मुँह ज़बानी इन्फॉर्मेशन देना है, कागज़ नहीं दिखाएंगे, ठीक है हम मुँह ज़बानी इन्फॉर्मेशन देंगे, क्या गारंटी है आप हमको डाउटफुल लिस्ट में नहीं डालेंगे? वो तो लिखित में हमको नहीं मिला है, आप जाके उसके बाद NRC करेंगे, NRC करेंगे उसके बाद आप हमको चुन चुन के निकालेंगे, तो इसीलिए हम NPR के ही खिलाफ है कि हमको NPR ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये पहला स्टेप NRC का है, पहला स्टेप ही नहीं होगा तो वो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो हमने पूरी यूनिटी फॉर्म कर ली है और हमारे साथ बहुत से लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो इस चीज़ को बॉयकॉट करेंगे, हम हमारे यहाँ नहीं होने देंगे। हर गांव के बाहर हमारी बस्ती क्यों है, इंसानों की जान इतनी सस्ती क्यों है, इंसानों की जान इतनी सस्ती क्यों है, अछूत कहके, अछूत कहके हमको ही मार दिया है, कैसा ये करम है, कैसा ये करम है, कैसा ये करम है, कैसा ये करम है, हम पढ़ते हैं तो जातिवादी क्यों निकलता, फिर उनके मुंह से जातिवादी मनु बोलता, फिर उनके मुंह से जातिवादी मनु बोलता, अरब नक्सल कह के देशद्रोही कह के हमको निकाल दिया है, कैसा ये करम है, कैसा ये करम है।